हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इज जीरो, सो कैन अ बॉडी बी शील्डेड फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन एस। द शेडेड एरिया ऑफ एस सी डी इज ट्वाइस शेडेड एरिया एस ए बी। इफ टी वन इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम डी टू सी एंड टी टू इज टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, वाट इज द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट विल बी द की कंसेप्ट यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द की कंसेप्ट दैट विल बी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी केप्लर्स लॉ ऑफ एरियाज, केप्लर्स लॉ ऑफ एरियाज। नाउ वी विल सी the force of attraction due to a hollow spherical cell of uniform density on a point mass situated inside is zero, but the body cannot be shielded from gravitational influence. So the answer will be no, the body cannot be shielded from gravitational influence, because the gravitational force is independent. Because the gravitational force is independent of the intervening medium, अब हम सेकेंड देखेंगे। हमारे पास केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज से होता है, द लाइन डेट ज्वाइंस एनी प्लैनेट टू सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो हमारे पास गिवेन है कि एरिया ऑफ एस सी डी, एरिया एस सी डी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया एस ए बी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से होगा डेल्टा एरिया ऑफ एस सी डी बाई डेल्टा एरिया ऑफ एस ए बी केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया से, दैट विल बी इक्वल टू टी वन बाई टी टू एंड डेट विल बी इक्वल टू टू। सो हमारे पास टी वन जो होगा डेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी टू। एंड केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज को ऑल्सो हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, सेकेंड लॉ। ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू विल बी टी वन इज इक्वल टू ट्वाइस टी टू। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।